जैन साथियों, मैं एक्सर्विसमैन सुधीर आपका अपने यूट्यूब चैनल पर स्वागत करता हूं। हमारे सैनिक भाई रिटायरमेंट के बाद जहां क्लर्कल जॉब को प्रेफरेंस देते हैं, वहीं हमारे कुछ कर्मठ और जागरूक एक्सर्विसमैन सफलता की बुलंदियों को छू रहे हैं। आज मैं बात कर रहा हूं एक्सर्विसमैन श्री सौरभ श्रीवास्तवा के बारे में, जिन्होंने एयरफोर्स से रिटायर होकर के सिविल जज में अपना सिलेक्शन लिया है। इनके अलावा जिन जिन एक्सर्विसमैन भाइयों ने जूनियर सिविल जज में सिलेक्शन लिया है, उनके बारे में मैं आपको बताऊंगा तथा हमारे सैनिक भाई कैसे सिविल जज की पोस्ट हासिल कर सकते हैं, उसके बारे में भी शॉर्ट में बताऊंगा। एक्सर्विसमैन सौरभ सर ने 17 साल की उम्र में एयरफोर्स की नौकरी ज्वाइन की थी। 20 साल सर्विस करने के बाद सेवानिवृत्त हुए। उसके बाद में बतौर अधिवक्ता दिल्ली हाईकोर्ट में उन्होंने प्रैक्टिस शुरू की, साथ ही यूपी से जूनियर डिवीजन सेवा में जज की कुर्सी पाने में सफलता हासिल की है। सौरभ सर ने एक न्यूज चैनल को अपना स्टेटमेंट भी दिया है, जिसमें उन्होंने बताया है कि मेरा सिलेक्शन हाई कोर्ट में जज के पद पर हुआ है। बहुत कठिन परिश्रम से यह मुकाम हासिल हुआ है। 17 साल की उम्र में हमारी नौकरी एयरफोर्स में लग गई थी। 20 साल एयरफोर्स में सेवा के बाद रिटायर्ड हो गया। उसके बाद मैंने 1.5 साल तक दिल्ली हाईकोर्ट में प्रैक्टिस की। प्रैक्टिस के साथ साथ पढ़ाई भी चल रही थी। मैं 16 से 18 घंटे की पढ़ाई करता था। शॉर्टकट जैसा कोई भी रास्ता मैंने नहीं अपनाया है। यह सफलता बचपन से लेकर आज तक के संघर्ष और मेहनत की देन है। मोबाइल का यूज भी मैं ना के बराबर करता था। हमारे सभी सैनिक भाइयों को एक्सर्विसमैन सौरभ सर से सीख लेनी चाहिए, सिर्फ क्लर्कल जॉब को प्रिफेयर ना करते हुए अपने बड़े टारगेट सेट करने चाहिए। आइए जानते हैं सौरभ सर के अलावा और कौन कौन से एक्सर्विसमैन भाइयों ने UPPCS जे की परीक्षा पास करके जज बनने में सफलता हासिल की है। हमारी स्क्रीन पर UPPCS जे 2023-24 की फाइनल रिजल्ट की PDF है, जिसमें कुल 50837 अभ्यर्थियों ने प्रतिभाग किया। 3145 को मेंस परीक्षा में शॉर्टलिस्टेड किया गया था। उसके बाद में 959 अभ्यर्थियों को साक्षात्कार यानी कि इंटरव्यू के लिए बुलाया गया, जो 3 रिक्तियों के सापेक्ष 302 अभ्यर्थियों को सफल घोषित किया गया है, जिसमें एक सीरियल नंबर 232 पर हमारे एक्सर्विसमैन आलोक कुमार वर्मा हैं। कैटेगरी भी आप देख सकते हैं, OBC एक्सर्विसमैन हैं जिन्होंने UPPCS जे में अपना सिलेक्शन लिया है। 255 सीरियल नंबर पर नवीन सर हैं, आप इनकी कैटेगरी भी देख सकते हैं एक्सर्विसमैन। एस आनंद सर हैं, विशाल दीक्षित सर, हेमंत कुमार सर, सत्येंद्र कुमार मिश्रा सर और सौरव कुमार, ये सभी एक्सर्विसमैन भाई हैं। उसके अलावा विकास कुमार, आशीष त्रिपाठी, आशुतोष सिंह, कपिल शर्मा और शिव कुमार यादव। और 299 सीरियल नंबर पर हैं सिद्धिनाथ सिंह सेंगर, ये भी एक्सर्विसमैन कैटेगरी से हैं। तो आप सभी इस रिजल्ट के माध्यम से पता कर सकते हैं, इसमें हमारे 14 एक्सर्विसमैन भाइयों ने सफलता हासिल की है, जो एक बहुत ही बड़ी सफलता है। मैं सभी सफल एक्सर्विसमैन भाइयों को बहुत बहुत बधाई और शुभकामनाएं भी देता हूं। आइए जानते हैं UPPCS जेब की क्या क्या क्वालिफिकेशन रहती हैं, कैसे हमारे सैनिक भाई सिविल जज के पद को हासिल कर सकते हैं। उत्तर प्रदेश पब्लिक सर्विस कमीशन का यह नोटिफिकेशन है UP जुडिशियल सर्विस सिविल जज जूनियर डिवीजन एग्जाम 22 का, जिसके फॉर्म 10 जनवरी 2023 तक भरे गए थे। इस नोटिफिकेशन में 303 वैकेंसी थी, जो कि ग्रुप बी गजेटेड ऑफिसर की वैकेंसी थी, और जो एक्सर्विसमैन वैकेंसी थी 15 थी, यानी कि 15। साथियों, आप सभी को पता होगा कि यूपी में ग्रुप बी में एक्सर्विसमैन का 5% रिजर्वेशन है। एजुकेशन क्वालिफिकेशन की बात करें, इसमें जो मस्ट है बैचलर्स ऑफ लॉ यानी कि LLB। एज लिमिट की बात करें तो एक्सर्विसमैन भाइयों को उनकी सर्विस प्लस 3 ईयर का वेटेज दिया जाता है। सिलेक्शन प्रोसीजर की बात करें, प्री मेंस और आपका इंटरव्यू 3 स्टेज में सिलेक्शन होता है। प्री एग्जाम में आपके 2 पेपर होते हैं, Paper 1 और Paper 2। Paper 1 150 मार्क्स का और Paper 2 300 मार्क्स के। डिटेल्ड सिलेबस आप नोटिफिकेशन के माध्यम से पता कर सकते हैं। और जो मेंस एग्जाम होता है उसमें टोटल 6 पेपर होते हैं, Paper 1 जनरल नॉलेज, Paper 2 इंग्लिश लैंग्वेज और Paper 3 हिंदी। उसके अलावा Paper 4 होता है लॉ फर्स्ट, Paper 5 लॉ सेकंड और Paper 6 लॉ थर्ड। इसके अलावा इंटरव्यू प्रोसेस होता है जो 100 मार्क्स का होता है, देन आपकी फाइनल लिस्ट इसमें डिक्लेयर होती है। अब काफी भाइयों का क्वेश्चन होगा कि LLB हम कैसे करें।
एलएलबी करने के दो माध्यम होते हैं, या तो आप प्लस टू के बाद 5 ईयर का कोर्स होता है, या फिर ग्रेजुएशन के बाद में 3 ईयर का कोर्स होता है जिसके माध्यम से आप एलएलबी कर सकते हैं। सरकारी कर्मचारी क्या जॉब के साथ साथ एलएलबी कर सकते हैं? साथियों मैं आपको बता दूं, एलएलबी एक प्राइवेट कोर्स नहीं है, रेगुलर कोर्स है। अगर आप अपने डिपार्टमेंट से परमिशन लेकर के एलएलबी कोर्स कर सकते हो तो आप अपनी जॉब के साथ कर भी सकते हो, क्योंकि दिल्ली या कुछ जगह एलएलबी की इवनिंग में भी क्लासेज चलती हैं। तो आप अपने डिपार्टमेंट से अगर आपको परमिशन मिलती है तो आप रेगुलर क्लास अटेम्प्ट करके एलएलबी कोर्स सर्विस के दौरान भी कर सकते हैं। तो जो भी हमारे सर्विंग सैनिक भाई हैं या जो एक सर्विसमैन अभी अभी हाल में ही रिटायरमेंट हुए हैं, उनके पास टाइम है, उनका पैशन है एलएलबी करने का, तो काफ़ी अच्छी अपॉर्चुनिटी है। जो भी हमारे यूपी के एक्सर्विसमैन भाई हैं वे ज़रूर करें। मेरी साउथ के भी एक्सर्विसमैन भाइयों से बात हुई है जिन्होंने एलएलबी अपनी कोर्स कर रखी है। तो एलएलबी आपके फ्यूचर में लॉ के रूल्स भी पता करने के लिए आपको दैनिक लाइफ में भी काम आती है। अगर आपको यह जानकारी अच्छी लगे तो आप अपने सभी सर्विंग सैनिक भाइयों को यह वीडियो ज़रूर शेयर करें, ताकि हमारे सभी सर्विंग सैनिक भाई जागरूक हो सकें। आगे भी मैं सैनिक भाइयों को गवर्नमेंट जॉब्स की जानकारी देता रहूँगा। धन्यवाद। जय हिंद।